यात्री भी कैसे हैं, ज्यादा बूढ़े वाले तो नहीं है, नए हैं, बाल कितने बड़े रहते हैं, चश्मा लगाते हैं, फिल्मी तर्ज में कथा कहते हैं या आधार लाइन में कथा कहते हैं, जो केवल इतनी तलाश में आते हैं, ऐसे भी लोग आते हैं है? और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कथा चाहे जैसी हो, अच्छी कथा पूरे दिन हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, केवल सारे दिन में एक कमी हो जाए उन्हें मतलब नहीं कि पूरे दिन में कथा सुनाई है, कोई ऐसी अच्छी बात अपने जीवन में धारण करें, लेकिन वो पूरे दिन कमी ढूंढेंगे। और जैसे ही एक मौका मिल गया खड़े हो गए पंडित जी है? सवाल करने लगते। कुछ लोग इसलिए आते जो कथा में केवल तर्क उठाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कथा में तर्क उठाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं पीकर शराब नहीं जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हो केवल झगड़ा करने की तलाश में आते, शराब पी के आएंगे फिर कबाऊ का ना चली हुए कऊ ना चली हुए तो जगह जरूर चलता है भैया, शराबी की कहीं ना चले पूरा जीवन निकल जाए, घर बेचने जमीन बेचने सब बेचने खुद बेच जाए लेकिन कहीं ना चले, अगर कहो की बारात में मौका मिली हो जाने को बारात में, अगर बारात में गए तो कहो ना चली हुई तो बाकी बारात में चलेगी पिए हुए हैं हाँ, और जब पी के बारात में चला तो कोई कोई इतनो भलो गांव मिल जाए बड़ो झूलता चलते फिर कथा पांडाल में पी के आएंगे रात्रि का प्रोग्राम देखो जो वो है फिर कोई नहीं किसे पीने से चेहरे में रूहानी आए, किसे बूढ़ा भी पीए तो जवानी आए, इसे पीने के बाद कितना भी इंसान काया रोग एकदम मर्द बन जाता है, आराम तुरंत करती है। एक भैंस खरीदो 50,000 रुपए की, जब दूध दही घी 6 महीना तक खाओगे तो शरीर में असर दिखाएगा 6 महीना बाद दूध और दही का, और 50,000 रुपए आप डालोगे 6 महीना बाद घी और दूध का असर आएगा तब ताकत बनेगी शरीर में, लेकिन एक 70 रुपए का पौवा लो और दो बार में डालो 10 मिनट में आराम दूनी ताकत, 9 मकान बनो अगर कंधा लगाए दो दीवार पलट गई तुरंत आराम करती है शराब। तो कुछ लोग झगड़ा करने के ही तलाश में आते हैं कि कथा में आज पांडाल में हम जो है सो शास्त्री जी ना ही है, हम जो कहेंगे वो ही करेंगे, मेरी मजबूरी होती है हमें समय काटना है जो वो कहते हैं, लेकिन ऐसे मतलब जे नहीं है कि मर्यादा को नांग जाए, हम व्यास जी शास्त्री जो भी हैं गद्दी पे बैठे तब तक ही है महाराज, और जो तुम हो सो हम है, तो मर्यादा में रहने में सारे काम जब किए जाते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ लोग कथा पांडाल में केवल झगड़ा करने के लिए ही आते हैं, वो तो घर से ही दिन में मूड बना लेंगे कि आज रात में मजाए देखेंगे, और बाकी ने 70 रुपया खर्च करेंगे, 70 का एक पौवा लगवा है 85-90 रुपये में पत्ते में गिलास पानी इनो पीनो अमकी मनकी बड़े आइटम हो चकना पकना हाँ? अब ये चीजें हमें पता ही को मतलब जे ना है कि मैं पियते हैं, अब जब पीने के बाद बातें करते हैं, क्योंकि गांव में भैया लोग अभी आप लोग गए थे तो मेन रोड पे हमारा ताली जाए तो वहीं बैठे रहते हैं वो लोग, तो वो लोग इधर मार्केट से खरीद को वहीं रेडी रेडी लगती
सांप को वहां पर पीते हैं और जब पीते हैं तो हम लोग की बातें सुनने में कम समय परेशानी, तो इसलिए उनको हिसाब हम समझ कम से कम 80-85 रुपए खर्चा है उनका, तब तो वे पूरा मूड बनाए पूरा रुआब दिखाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान।